Good morning to all of you. PK Mishra, good morning. सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं. वो जो दूसरा वाला मैंने किया था लाइव स्ट्रीम वो डिलीट करना पड़ा क्योंकि वो ले नहीं रहा था. तो अगर दूसरा वाला एक जो मैंने रात में किया था अपलोड उस पर नहीं, इसी पे देखेंगे. जल्दी से सभी लोग आ जाइए. खुश रहिए. प्रांजल जी, प्रवीण सिंह, स्नेह कुमार, सुभी शुक्ला, सभी लोग वेरी गुड मॉर्निंग सब. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू. और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं, फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. एक बार सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें इसको, जिससे कि जो भी लोग भूल गए हैं या नया टाइमिंग है तो उनको आइडिया नहीं होगा. तो सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से. अभी टाइमिंग सुबह ही करना पड़ा क्योंकि इसी टाइमिंग में मैक्सिमम लोगों को सुटेबल है और दूसरा टाइमिंग ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं. तो आज का हमारा जो सेशन है ये नेशनल टेस्ट अभ्यास पेपर एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मॉक टेस्ट 2 के लिए है. गुड मॉर्निंग सरिता जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. जल्दी से सभी लोग जुड़े, 5 मिनट हम लोग लेट हैं, कोई बात नहीं. फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए. मेरी आवाज सब तक सुनाई दे रही है, आप सभी लोगों को मिल रही है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए आई एम ऑडिबल और विजिबल और नॉट. यस सर, ओके, यस यस नेह जी, थैंक यू. ओके, चलिए शुरू करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और हम लोग कोशिश करेंगे जो सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड हैं या फैक्ट हैं जो मेमोराइज हैं उन पे बहुत फोकस नहीं करेंगे क्योंकि सारे सवाल करा पाना थोड़ा टफ, बट कोशिश की जाएगी सारे सवाल कराने की. ठीक है, चलिए. पहला क्वेश्चन, द एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जायगोट अंडरगो. तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो जायगोट है ये कौन सी प्रोसेस से गुजरता है, जायगोट के बारे में आपसे पूछ रहे हैं. तो मियोसिस, क्लीवेज ओनली, सेल डिफरेंशिएशन ओनली, या बोथ क्लीवेज एंड सेल डिफरेंशिएशन. तो आपसे पूछ रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है. तो ये पहले चैप्टर का सवाल है और आंसर जल्दी से बता दीजिएगा. बहुत ही आसान सवाल है ये एम्ब्रियोजेनेसिस को रिलेट करते हुए. फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये, जहां तक मैं हिंट कर पा रहा हूं आपको. सभी लोग लैग तो नहीं कर रहा, सभी लोग जल्दी से आंसर करें. वन का डी, बिल्कुल आपका वन का डी आंसर आया है. देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका. वन का डी आ रहा है, ओके. देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस में दो पार्ट था, एक सेल डिविजन की बात करते थे और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन की बात करते थे. ठीक है, तो वन का डी का सभी लोगों ने आंसर किया है एंड दैट्स द फाइन आंसर. और यही आपका सही आंसर होगा. ठीक है, तो वन का डी इज द राइट आंसर. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी. ओके, जस्ट वन सेकेंड. पुल बार मतलब ये जो आप जस्ट वन सेकेंड. ओके फाइन. बस ये पहला पार्ट है, थोड़ा सा एक आध सेकंड का समय लगेगा, दूसरे सवाल पर भी हम लोग चल रहे हैं. चलिए पहले क्वेश्चन हो गया आपका, थोड़ा जूम कर दीजिए. देखिए इससे ज्यादा जूम तो नहीं हो पाएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आई थिंक
रीजन क्या है, इसको कोई भी डाउनलोड नहीं कर सकता, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना होता है, या इसको इसी तरीके से मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ, दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। इम्ब्रियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट ड्यूरिंग द प्रोसेस जायगोट अंडरगो। ठीक है, तो कैसे होता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आप देखिए अगर जूम हो सकता है। नहीं, वहां से नहीं हो। जूम इज नॉट पॉसिबल, मेरे फोन में दिख रहा है, इट पॉसिबल देख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताइए जल्दी से। मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन द सेल बोथ फिजिकली एंड केमिकली, आंसर बताइए जल्दी से इसका। मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं जो सेल में पाया जाता है फिजिकली और केमिकली, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड या लिपिड, चौथा ऑप्शन लिपिड है, आंसर बताइए। टू का सी, ओके, टू का सी आंसर आ रहा है। मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन द सेल बोथ फिजिकली एंड केमिकली। भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या आंसर सही होगा इसमें। देखिए मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आंसर आपको मिल जाएगा और वो आंसर होगा प्रोटीन। ठीक है, अगर आप बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर आप इसमें करें, अगर आपसे पूछा गया होता मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर तो फिर हम लोग सेलुलोज आंसर करते, और प्रोटीन में भी कोलेजन प्रोटीन आंसर हो सकता है, ये होगा एनिमल वर्ल्ड में, एनिमल वर्ल्ड में, और ये आपका दूसरा होगा रूबिस्को, ये आपका होगा प्लांट वर्ल्ड में। ठीक है, तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रोटीन यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो आंसर, क्योंकि इसका कहीं कोई आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए जो अपनी नॉलेज है, जो अपना कंफर्मेशन है, उसी के अकॉर्डिंग, जो अपनी पढ़ाई है चाहे आपकी हो या हमारी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करते हैं। तो फिलहाल आंसर इज, ठीक है, तो सभी लोगों ने लगभग आंसर इसका किया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी कंटिन्यूटी बन जाएगी, बस 2-3 सेकंड में, 2-3 मिनट में हम लोग अच्छे से इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट हेल्प इन द ऑक्सीजन इवोल्यूशन, विच एलिमेंट हेल्प इन द ऑक्सीजन इवोल्यूशन, बार बार आगे पीछे हो रहा है, कुछ है इश्यूज अभी, बट इट विल बी रिजॉल्व, थोड़ा सा समय दें। चलिए, एलिमेंट विच हेल्प इन द ऑक्सीजन इवोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवोल्यूशन में कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होगा, तो जेड एंड मैग्नीज, मॉलिब्डेनम क्लोराइड, बोरान मैग्नीशियम या क्लोराइड एंड मैग्नीज, आंसर बताइएगा जल्दी से इसमें। अपने फोन की ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे अगर आप, तो आपको साफ दिखेगा जहां तक मुझे लगता है। यस, जिन्होंने भी, जिनको भी जूम की समस्या है वो ब्राइटनेस बढ़ाएं फोन की। यस, ऑक्सीजन इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन क्या होता है, ये कहीं ना कहीं वाटर की स्प्लिटिंग की बात करते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग, ये वाटर की स्प्लिटिंग में अगर हम बात करेंगे तो वाटर की स्प्लिटिंग में क्या होता है, आप बताइए, थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं, बट इट विल बी रिजॉल्व। नहीं, वाह, बढ़ गया, आगे हो गया, 3 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1-2 मिनट में भी सही हो जाएगा, वो अभी आदत नहीं है ऐसे स्क्रीन से पढ़ाने की ना, वो भी सही हो जाएगा, वो दूसरा वाला जो था वो सही था, बट इसमें इश्यूज है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, डी, ऑक्सीजन कहाँ इवोल्यूशन, वाटर इवोल्यूशन में होता है, ये सब बार बार आगे बढ़ जा रहा है, आई इफेक्ट पे करता है, आई पे इफेक्ट करता है सर, कोई बात नहीं, स्पेक्स लगाइए, नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 4 का आंसर करते हैं।
ठीक है। अब मैं भी फोन में देख रहा हूँ हाई ब्राइटनेस के साथ, लैपटॉप पे भी देख रहा हूँ। अब पढ़ने के लिए ऑनलाइन में कुछ ना कुछ इश्यूज तो होएंगे ही, ऑफलाइन की बात ही अलग है। चलिए, ऑल्दो मच कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड, येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने के बाद भी ब्लड जो है एसिडिक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, ब्लड एसिडिक क्यों नहीं होता? तो CO2 इज कंटिन्यूअसली डिफ्यूज थ्रू द टिश्यू एंड इट इज नॉट अलाउड टू एक्युमुलेट। CO2 कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म H2CO3 व्हिच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एनोटिव CO3। इट इन CO2 ब्लड बफर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, या फिर फोर्थ CO2 इज अब्सॉर्ब बाय द ल्यूकोसाइट। तो आंसर बता दीजिएगा, फोर का सी आंसर आप लोग कर रहे हैं, प्रांजल जी ने आंसर किया है सबसे पहले। ओके, फोर का सी बिल्कुल सही बात है। होता क्या है सर, यहाँ पे जो आपका HCO3 होता है, HCO3 ये HCO3 बाहर निकल जाता है और ये सोडियम के साथ रिएक्शन करके NaNOTCO3 बनाता है, NaHCO3 बनाता है। और जब ये NaHCO3 बनाता है तो ये ब्लड वफर के रूप में काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा ब्लड वफर, ये जो ब्लड वफर है यही इसको एसिडिक नहीं होने देता। ठीक है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर फाइव, द साइंस ऑफ रियरिंग, फीडिंग, केयर, ब्रीडिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल। पूछा जा रहा है आपसे कि वो साइंस कौन सी जिसमें रियरिंग, फीडिंग, केयर, ब्रीडिंग, याद करिए लाइन एनसीईआरटी की है ये, रियरिंग, फीडिंग, केयर, ब्रीडिंग, याद करिए। सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, फाइव का सी। यस, सभी लोगों ने आंसर सही किया है, गुड वर्क। बिल्कुल एनिमल हस्बेंड्री है ये, याद कर लीजिएगा, सही बता रहे हैं आप, एनिमल हस्बेंड्री है। और एनिमल हस्बेंड्री में ही साइंस मतलब जिसमें हम रियरिंग, फीडिंग और केयर ब्रीडिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों ने सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अब ऐसे सवालों में कोई कंफ्यूजन है नहीं किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 130 बटा 90 mmHg इज कंसीडर्ड एज हाई एंड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। ओके, तो 130 जो है बटा 90 ये हाई तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट 140 बटा 90 की हम बात करते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है, ज्यादा तो भी है बट एनसीईआरटी का 140 बटा 90 है। 155 इज हाई कंसीडर्ड आइडियल, 120 बटा 80 ये आइडियल होता है। ठीक है, और 105 इज वेरी एक्टिव, 190 बटा 110 हैज हाई फॉलो वाइटल। यस, तो आप लोगों ने आंसर डी किया हुआ है और यही आंसर आपका सही है। तो डी इज द राइट आंसर, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, सिक्स में आंसर इज डी। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेवन, इफ द बेस सीक्वेंस, कह रहे हैं द बेस सीक्वेंस ऑफ वन चेन ऑफ डीएनए इज, क्या है देखते हैं, GCATZ। अगर डीएनए की बेस सीक्वेंस GCATZ है तो G के पीछे क्या हो जाएगा, C, C की जगह क्या हो जाएगा G, A की जगह क्या हो जाएगा T, और T की जगह क्या हो जाएगा A, और G की जगह हो जाएगा C। तो CGTAC यही आंसर आ रहा है, और से आंसर बता दीजिएगा CGTAC। तो CGTAC कौन सा है, द बी आंसर, CGTAC, CGTAC सेवन का बी। सारे हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, किसी किसी दिन दो दो पेपर करेंगे, जल्दी जल्दी सारे किए जाएंगे, आप बस करते जाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिंगल चॉइस, कलर सेल फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील इन जेलीफिश, साइकॉन, टीनिया या पाइला। आंसर होगा, जेलीफिश,
साइकॉन, टेनिया या पाइला। देखिए स्पॉन्जोसील की हम बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो स्पॉन्जोसील किसमें होती है, स्पॉन्जेस में, और स्पॉन्जेस जिसमें कॉलर सेल या साइड लाइन करती है स्पॉन्जोसील को, है ना, तो वो जेलीफिश तो नहीं है, साइकॉन नहीं है, टीनिया नहीं है, पाइला नहीं है, तो आंसर इज साइकॉन। ओके, बी इज द राइट आंसर। यहाँ कुछ समझने जैसी बात नहीं है, ये फैक्ट है और आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में चूज द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग इन द ईच सेल ऑफ पॉलीमरेज चेन साइकिल। पॉलीमरेज चेन साइकिल की अगर हम बात करें यानी कि पीसीआर की बात करें, तो पीसीआर में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जल्दी से बता दीजिएगा। पीसीआर के स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, नाइन का सी, आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं, ग्रेट वर्क। देखिए आप लोग बहुत डरते हैं इस मॉक टेस्ट से और फटाफट आंसर, कितना बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो याद करिएगा डीनेचुरेशन, उसके बाद एनिलिंग की बात करते हैं, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन कितने पे होता है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड। एनिलिंग कितने पे होता है, 56 72 पे आपका डीनेचुरेशन होता है, एक्सटेंशन होता है। आंसर इज सी, पीसीआर कैरेमोलिस ने दिया था, ये बात आपको शायद याद होनी चाहिए। चलिए, Which of the following reactions of the glycolysis and molecule of water is removed from the substrate? थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये बात पता होगी, कोशिश करी जाएगी और स्पीड बढ़ाने की। हाँ, जिन सवालों पर समझाने की जरूरत होगी उन पर जरूर समझाया जाएगा, इतना भरोसा रखिए। तो पूछ रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस की कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर रिलीज होता है, मतलब वाटर निकलता है। तो याद करिएगा ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप जो आपकी है, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 8वें स्टेप में H2O रिलीज होता है। मैं अभी तक सिर्फ नाम नहीं बताया हूँ, आप बताइए क्या होगा। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसराइड से 1,3-5-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पीईपी से पाइरुविक एसिड, या फिर 2-फॉस्फोग्लिसराइड से पीईपी। आंसर आ गया है 10 का सी आंसर आया है। यस, यही वो प्रोसेस है जिसे इनोलेशन कहते हैं। इनोलेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है और H2O रिलीज होता है ना। ये ग्लाइकोलिसिस एम्बेडन मेरा पारनाथ पाथवे, एमपी पाथवे, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे है, और ये सवाल अभी हम लोगों ने किया भी था किसी डिस्कशन में। तो सेम क्वेश्चन है, द सेल जंक्शन कॉल्ड। आपको मैं बता दूं भैया कि आपको टाइप ऑफ जंक्शन पढ़ना है, ये सिलेबस में है आपके, टाइप ऑफ जंक्शन ये जरूर पढ़ लीजिएगा, और यहां से सवाल बहुत आता है, टाइप ऑफ जंक्शन से हर बार सवाल पूछा जाता है कहीं ना कहीं। तो ये कौन से टिश्यू का बना हुआ है, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या न्यूरल टिश्यू, इसमें से आंसर बताइएगा। का सी बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल फेल्डन, एपिथेलियल टिश्यू इज द राइट आंसर। जंक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, जिसमें से लीकेज नहीं हो सकता है, डेरिंग जो कहीं ना कहीं चिपकने में मदद करता है, गैप जंक्शन से लीकेज होता है और चीजें कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मार्क कर लीजिएगा, नॉट इंक्लूडेड इन इन सीटू कंजर्वेशन। कौन सा ऐसा है जो इन सीटू कंजर्वेशन में इंक्लूडेड नहीं है, तो बॉटनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या सेंचुरी। का आंसर, गुड मॉर्निंग शुभांगी, का ए। ओके, देखिए बॉटनिकल गार्डन और दूसरा जूलॉजिकल पार्क, ये दोनों, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क, ये दोनों इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल हैं और ये इन सीटू कंजर्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो आंसर क्या होगा। और मैं आपको फिर बता दूं, ये वो जगह है जहां से सवाल एग्जामिनर हर बार बनाता है और आना ही आना होता है सवाल। तो आप समझिए कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मतलब आपको इन सीटू और एक्सीटू भी पढ़ना है और ये आपके रिवीजन में होना चाहिए। मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन पे हिंट करता रहूंगा, इसके आसपास सवाल आ सकता है या नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। ए न्यू क्रॉप दैट इज सोर्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट। हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट की बात कर रहे हैं। ये सवाल एनसीईआरटी के बाहर का है और एज पर एज माई कंसर्न ये सवाल आपके एग्जाम में अब नहीं आएगा। पुराने ये पुराना सवाल है, कहीं से उठा के डाल दिया गया है और पुराना जब सीपीएमटी होता था तो उसके एग्जाम उस जमाने का सवाल है, ये बीएचयू एग्जाम के जमाने का सवाल है। ये फिर भी आंसर तो करना पड़ेगा। यस 12 का ए आंसर आया है, 12 का सी आंसर आया है। देखिए ये क्या है, सिमोन्सिया चेनेंसिस, बहुत ही अच्छा नाम है ये, इसका अच्छा नाम लगता है ये। पहली बात सिमोन्सिया चेनेंसिस पार्थिनियम एंड फॉस्फोकार्पस लकाका की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल आंसर इसका होगा यहाँ पे ए। और इसका एक और नाम है, मैं आपको बता दूं, ये है जजोबा प्लांट। जजोबा पहले पढ़ते थे हम लोग जब बीएचयू होता था, जजोबा एंड हबूबा प्लांट, तो ये जजोबा प्लांट है। इससे एक आयल हो लिया जाता मिलता है और उस आयल का नाम होता है जजोबा आयल। ठीक है, याद रखिएगा, एक अच्छा सवाल है ये, बट एग्जाम में नीट के नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं। सीमेंट से इसका कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। का आंसर बताइएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी के रेफरेंस में आपसे सवाल पूछ रहे हैं। Fertilization of ovum takes place in uterus but develops in the test tube. Fertilization of ovum takes place in the test tube and develop in the test tube itself. Fertilization of ovum takes place in the test tube but it develop in the uterus. तो आंसर बताइएगा इसका जल्दी से क्या होगा? 14 का सी आंसर आ रहा है। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी में बात कर रहे हैं कि क्या होगा सर? तो टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर बात करते हैं ना, तो इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, और बार बार आगे बढ़ जा रहा है ये। और जो बात करते हैं आप डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूट्रस के अंदर होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यूट्रस टेस्ट ट्यूब में और डेवलपमेंट यूट्रस में, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे किसी को। विद रिस्पेक्ट टू सोडियम पोटेशियम पंप, व्हाट चेंजेस विल बी द ऑब्जर्व्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो क्या होगा, याद करिए, सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहे हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, रिकॉल करें जल्दी से। सोडियम पोटेशियम पंप फॉर 15, तीन सोडियम बाहर जाता है, थ्री सोडियम बाहर जाता है और दो पोटेशियम अंदर आता है ना, याद करिएगा, यही कहानी हमें याद करनी है। तो थ्री सोडियम आर पंप्ड आउट एंड टू पोटेशियम आर टेकन इन। आंसर बता दीजिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर इज ए। चलिए 15 का ए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following soil bacterium produces a protein chemical that is toxic to insect pest? कौन सा soil bacteria है जो insect pest के लिए toxic है? आंसर बताइएगा, याद करिएगा, सोयल बैक्टीरियम वर्ड मैंने क्लास में डिस्कस किया था, ये सोयल बैक्टीरिया है, यही वजह है जो
ऑप्शन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपको इसका आइडिया नहीं होगा तो. तो बैसिलस थुरिंजियंसिस इज द राइट आंसर. और ये स्ट्राइल बैक्टीरिया है, इसी का आइडिया नहीं लग पाता. बाकी आप जानते हैं ये इंसेक्ट 8 का 16 का A प्रोटियो बैक्टीरिया कर रहा है कोई आंसर. 16 का बी होगा राइट आंसर. सेवनटीन की बात करते हैं. 17 का आंसर बताइएगा. सिंगल चॉइस क्वेश्चन ये भी है. शार्कोमियर क्या होता है? व्हाट इज शार्कोमियर? जी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इट विल रिजॉल्व, जल्दी इसको सही कर लिया जाएगा. इस स्लाइड के चलने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर सही हो जाएगा तो चलाया जाएगा, नहीं तो फिर हटा दिया जाएगा. ठीक है, क्योंकि अब हम यही संभालते रहेंगे तो करेंगे कब. आप सभी लोगों ने आंसर डी किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द साइट ऑफ एडीए प्रोडक्शन इन द बॉडी इज, एडीए प्रोडक्शन जो है बॉडी में ये किसके लिए होता है, जरा इसका आंसर बता दिए जल्दी से. एडीए प्रोडक्शन एडनोसिन डीएमिनेज की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा एडनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की बात कर रहे हैं. जल्दी से आंसर बताइए टीन का. एटीन का बी आंसर. ठीक है, सही आंसर आपका एटीन का बी, लिम्फोसाइट. याद करिएगा जब हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हम इसी बात का ख्याल रखते हैं कि लिम्फोसाइट को से ही चीजों निकाला जाता है, फिर उसको कल्चर किया जाता है, है ना. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज मॉलिकुलर ऑक्सीजन, मार्क करिएगा, मॉलिकुलर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है N2 के फॉर्म में, तो आंसर बता दीजिएगा इसका. राइजोबियम, स्पायरोगायरा, म्यूकर या मेथनोकाकस. जल्दी से आंसर बताइए. 19 का डी, मेथानोकोकस. अच्छा, 19 का ए. उन्नीस
होंगे इसका ए, बिल्कुल इसका ए आंसर होगा, सही भी है ये। राइजोबियम ही का इस्तेमाल करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और राइजोबियम जाहिर सी बात है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करता ही करता है। चलिए तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल एरर आ रहा है आज, सिस्टम हेल्प नहीं कर रहा है। टोबैको एंड पिट्यूनिया बिलोंग्स टू द फैमिली, टोबैको और पिट्यूनिया जो है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? पोएसी, फेबेसी, सोरेनेसी या ब्रैसिकेसी, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है जल्दी से बता दीजिएगा। पोएसी, फेबेसी, सोरेनेसी या फेबेसी ब्रैसिकेसी, आंसर बताइए। 20 का सी बिल्कुल सही, पिट्यूनिया और टोबैको ये दोनों सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगले टेस्ट में हम लोग इसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, आज थोड़ी बहुत परेशानी है इसको आप कर लीजिए, नेक्स्ट में कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 21 स्लाइड में इशू आ रहा है, चलिए वो नहीं होता है, उतना समय नहीं है ना बच्चों के पास कि हम करके वेट कर सके, नॉट पॉसिबल। मैं सोच रहा हूँ इसको बाइंड अप करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें। नहीं, कोई नहीं, आप लोग बताइए इस परेशानी के साथ इसको कंटिन्यू किया जाए या इसी बाइंड अप करते हैं, दोबारा कराते हैं नई स्लाइड्स। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में कॉल कर लेता हूँ, थोड़ी देर में इसको देखो, नहीं सर वो प्रॉब्लम हो रही है, नॉट पॉसिबल, नहीं चल पाएगा, वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा हूँ, चार चार पाँच पाँच बढ़ जा रहा है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों का, हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। स्लाइड्स में इश्यूज आ रहे हैं, लो एक दो तीन आगे बढ़ जाता है तो इरिटेशन होती है। अब इतना तो जाएगा ना सर, नहीं जैसे अगर आप माउस मोड पे क्लिक कर देंगे तो फिर वन क्लिक ही बढ़ेगा आगे, जैसे भी देखिए चलिए अभी लोग कह रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है सर कंटिन्यू करते हैं फिर। इन लाइकिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिलोंग्स टू, पिछले क्वेश्चन का आंसर शायद आप लोगों ने किया या नहीं किया है, मैं देख लूं एक सेकेंड। यस आंसर आ चुका है और 21 को भी हम आगे कर देते हैं। यस 21 ठीक है सर, ठीक है मैं कोशिश करूंगा इंप्रूव करने की अपने आप को, मैं ही थोड़ा पीछे हूं इस टेक्नोलॉजी में, आप लोग थोड़ा ज्यादा एडवांस हैं। चलिए लाइकेन में आंसर आया है 21 का ए, ओके लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जल्दी हम लोग सही कर लेंगे, भरोसा रखिए तब हो जाएगा, हो जाएगा सही है। आंसर क्या आ रहा है 21 का? सी आंसर आ रहा है, सुभी शुक्ला, ओके बी आंसर आ रहा है, कुछ लोगों ने बी आंसर किया है, कुछ लोगों ने नहीं सर, देखिए कुछ लोग ए आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। अभी थोड़ा और ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि नया तरीका इजाद करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए लाइकेन की अगर बात करें तो फंगल पार्टनर इज द राइट आंसर, यहाँ पे फंगल पार्टनर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है और इसमें और ये आंसर सही नहीं है, और ये भी पुराना सवाल है याद रखिएगा, इसमें कोई बहुत विचित्र बात होने नहीं जा रही है जो आपको कंफ्यूज क्रिएट करे। तो आंसर इज ए, फंगल पार्टनर इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ काउपर्स ग्लैंड आर रिमूव्ड इट विल अफेक्ट, अगर कॉर्पस ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड आपकी है अगर ये रिमूव कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये करती क्या है, तो काउपर्स ग्लैंड का एक और नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना,
ओके। और अगर आप बात करें बालबी जी, तो क्या करेगी ये, कहीं ना कहीं ये जो यूरेथ्रा से जब चीजें पास आउट होती हैं, स्पर्म जब रिलीज होता है, तो कहीं ना कहीं एसिडिक मीडिया को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये। और अगर आप न्यूट्रलाइज करने की बात करेंगे, तो ये जब भी मूव ऑन करेगा इसके अंदर, तो उसमें क्या करेगा, अगर काउपर्स ग्लैंड नहीं होगी तो क्या इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं होगा, सेक्स रिकॉग्निशन नहीं होगा, सेक्सुअल बिहेवियर नहीं होगा, ये सब ठीक है लग रहा है सर? सही है। तो स्पर्म इफेक्ट हो जाएगा, है ना, स्पर्म आपका क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आप मन में ना पालें इस सवाल को लेकर। तो आंसर इज बी, ओके। कॉपर्स ग्लैंड हटाने से स्पर्म इफेक्ट हो जाएगा, एसिडिटी न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, इन टेरिडोफाइट मियोसिस अकर्स इन, टेरिडोफाइट में मियोसिस होती है कहां, एग में, जायगोट में, एंथ्रोजोइट में, या स्पोर मदर सेल में, कहां होती है बताइएगा जल्दी से। 22 का बी हो गया, 23 का आंसर बताइए। टेरिडोफाइट में मियोसिस कहां होती है, एग, जायगोट, एंथ्रोजोइट या स्पोर मदर सेल, आइडिया होना चाहिए आपको इसका। इसका डी आंसर आया है, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच वन ऑफ द पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा पेयर इसमें रॉन्गली मैच्ड है, तो ईस्ट इथेनॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस एंटीबायोटिक, कॉलीफॉर्म्स विनेगर या मेथनोजेंस गोबर गैस, कौन सा गड़बड़ है इसमें। ईस्ट एथेनॉल, यस वही ड्रिंक और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक बनाता ही है, कॉलीफॉर्म्स विनेगर, कॉलीफॉर्म्स विनेगर नहीं बनाता सर, ये एसिटोवेक्टर एसिटाई बनाता है। ठीक है, एसिटोवेक्टर एसिटाई बनाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइडेंटिफाई द पार्ट्स पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जो पार्ट्स हैं इसे आप आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं, जल्दी से बता दीजिएगा कि ये क्या है, नेमिंग बताएं इसके कर की। तो पी क्या है आप याद करिएगा, पी इज व्हाट, एपिडर्मिस, पी इज व्हाट, एपिडर्मिस, जरा बताइए जल्दी से। क्यू इज व्हाट, एंडोथीशियम, आर इज व्हाट, मिडिल लेयर, और एस, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एपिडर्मिस, एंडोस्पोर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल, आंसर आपका आ गया होगा 25, 26. Which one of the following is the product of dark reaction? Dark reaction का product कौन सा है इसमें से, ये बताइए जल्दी से। डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट इसमें से कौन सा है, CO2, ATP, पाइरूविक एसिड या फॉस्फोग्लिसराइड। सबने स्टडी फॉस्फोग्लिसराइड, इसका बी भी कुछ लोग, देखिए डार्क रिएक्शन में एटीपी नहीं बनता,
डायरेक्ट रिएक्शन में पाइरुविक एसिड नहीं बनता, CO2 नहीं बनता, सिर्फ PGL बनता है पाइरुविक एसिड, ठीक है, यही आंसर होगा। अब ये डायरेक्ट रिएक्शन तो आपको आनी चाहिए सर, ऐसे आंसर आप लोग गलत कर देते हैं, गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर्स ड्यूरिंग बॉल्टिंग, अपटेक ऑफ वाटर, इलांगेशन ऑफ इंटरनोड, अपटेक ऑफ मिनरल सॉल्ट, एक्सटेंशन ऑफ लेमिना। बॉल्टिंग क्या होता है याद करिएगा, बॉल्टिंग इज वॉट, बॉल्टिंग क्या होता है, ये इंटरनोडल एलांगेशन की बात कर रहे होते हैं, जहां पे बॉल्टिंग किसमें होती है, बॉल्टिंग होती है रोजेट प्लांट में, जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, रोजेट प्लांट्स में बॉल्टिंग होती है, ठीक है, और इसमें जो इंटरनोड है वो इलांगेट कर जाता है, बढ़ जाता है, तो इंटरनोडल एलांगेशन की बात कर रहे होते हैं बॉल्टिंग में, ठीक है। तो अपटेक ऑफ वाटर, इलांगेशन ऑफ इंटरनोड, मिंडल, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 27 का बी आंसर हो जाएगा, एक अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28। सिंगल चॉइस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सलाइवा, कौन सा इसमें सलाइवा का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो सलाइवा कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट Na+ पोटेशियम Cl- HCO3, इटालियन सलाइवरी अमाइलेज, म्यूशियन लाइसोजाइम एंड थायोसाइनाइड एंड एंटीबॉडी IgM, एंटीबॉडी IgM, तो कौन सा इसमें से नहीं है सलाइवा का कंटेंट। तो सलाइवा में Na+ होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, HCO3 होता है, होता है सलाइवरी अमाइलेज जिसे कहते हैं आप, अल्फ और म्यूशियन लाइसोजाइम थायोसाइनेट होता है, एंटीबॉडी IgM, देखिए एंटीबॉडी IgM नहीं होता, एंटीबॉडी IgA हो सकता है, बट IgM तो नहीं हो सकता इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जा रहा है, क्योंकि आपसे नॉट पूछ रहा है। आप लोग आंसर 28 का क्या किए हैं, डी आंसर किए हैं, ठीक है। मैं अपने क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा, लास्ट में आंसर करूंगा, जिससे कि आपको आंसर मिल जाए। चलिए ओके थैंक यू, आंसर करते हैं इसका जल्दी से। चलिए अगला सवाल 29। द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ लिग्निन, हेमिसेलुलोज, प्रोटीन एंड लिपिड। लिग्निन, हेमिसेलुलोज, प्रोटीन एंड लिपिड, एक भी कर्सर टच कर जाता है तो क्वेश्चन बढ़ जाता है, ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, अब लगभग हम लोग मैं सीख गया हूं तो हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिग्निन, हेमिसेलुलोज, प्रोटीन एंड लिपिड, लिग्निन कहां हो जाएगा सर, यहां पे लिग्निन नहीं होगा, लिग्निन गलत है यहाँ पे फिलहाल, और ये लिपिड की बात यहाँ पे कोई नहीं है, गलत है ये, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, ट्यूबुलिन एंड लिग्निन, ये नहीं, लिग्निन, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिपिड, सेलुलोज, लिग्निन, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड सेलुलोज। चलिए आप आंसर बताइए, 29 का सी आंसर कर रहे हैं कुछ लोग, 29 का डी आंसर कर रहे हैं कुछ लोग, सभी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, ये अच्छी बात नहीं है, अभी तक तो नहीं अच्छा था, अब तो ठीक लग रहा होगा, अब तो लाइक कर दो यार, चलो चलिए ओके थैंक यू, आंसर इज डी, 29 का डी आंसर होगा, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सवाल देखिए कितने आसान आसान पूछे जा रहे हैं और आप लोग डरते हैं सवाल को देख के। चलिए 30, ए मेंडेलियन क्रॉस की बात कर रहे हैं, एक मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग सीड विद द जीनोटाइपिक RRYYYY, ओके ओके, चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर, स्मॉल कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल Y, ओके, कैपिटल R, स्मॉल Y, कैपिटल Y, स्मॉल Y, स्मॉल R, कैपिटल Y, स्मॉल Y, ओके, कैपिटल R, स्मॉल R, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, आंसर देखें क्या आ रहा है 30 का, इसमें आपसे आफ्टर जनरेशन में पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए आंसर। ये सारे के सारे हेटरोजाइगस हो जाएंगे पहले वाले, है ना, ये वाला आपका सारा का सारा हेटरोजाइगस, ऐसे कितने प्लांट होते हैं 4, और ऐसे कितने होते हैं ये देखना पड़ेगा, ये ऐसे चार होते हैं, ये थोड़ा चेंज है, एक सेकंड वेट करिएगा, एक सेकंड वेट करिएगा, पहले लिख तो सही से लें, कैपिटल R, स्मॉल R, कैपिटल R, स्मॉल Y, ऐसे दो लोग होते हैं, और कैपिटल R, स्मॉल R, कैपिटल Y, ऐसे चार लोग होते हैं। देखिए 30 का ए आंसर आया है, सुभी शुक्ला एंड गिरजेश पांडे ने किया, ठीक है। अगला जरा देखते हैं सब, देखिए ऐसे कितने लोग होते हैं, तो ऐसे दो लोग होते हैं, और ऐसे भी कितने लोग होते हैं, ऐसे भी दो लोग होते हैं, तो देखिए ऐसे चार लोग हमने बताए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा,
4/16, ये वाला क्या हो जाएगा 4/16, ठीक है, ये 4/16 हो जाएगा। तो अब ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी हम कट ही कर देंगे। ओके 4/16, तो ये आपका हो जाएगा 2/16, ये उसका हो जाएगा 4/16। अब आंसर आ रहा है 1/8 कैसे करेंगे, अरे तो दो है ना, अब 16 में 16 ही प्लांट बनेंगे, तो आपका फिर 1/8 हो जाएगा, ठीक है, या 2/16 कहें या 1/8 कहें, तो आंसर इज ए। अच्छा सवाल है ये, ऐसे ही कर लीजिएगा इसको। हेटरोजाइगस चार होते हैं आपको पता है, मैंने सबका बता दिया, और जब आपने क्लास में किया था तब भी आपको आइडिया होगा कि कैसे कैसे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, कौन सा इसमें एसेंशियल नाइट्रोजन प्लांट ग्रोथ के लिए माइक्रो वाला नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा प्लांट ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल नहीं है। अरे जी31 का सी आंसर आ रहा है। ओके बिल्कुल सही आंसर है आपका 31 का सी, कैल्शियम जो है ये मैक्रो है और ये माइक्रो नहीं है, तो इसलिए एसेंशियल नहीं होगा, ठीक है। चलिए आई थिंक नाउ फाइन वी आर डूइंग वेल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इफ बर्थ एंड डेथ रेट वर इक्वल ए जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वुड रिजल्ट एज, इट इज नोन एज, क्या बोलते हैं अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल हो जाए तो, रिप्लेसमेंट लेवल, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, स्टेबल पॉपुलेशन या डबलिंग टाइम। आंसर बताइए जल्दी 32 का। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर डेथ रेट और बर्थ रेट जीरो हो जाए तो पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, है ना, बी माइनस डी, जस्ट वेट, अगर आप बात करें b माइनस डी बराबर जीरो, चलिए आंसर c हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 33, चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ होती है, तो आपको सबको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होती है, ठीक है, तो बाकी और किसी ऑप्शन में इसमें सही आंसर नहीं है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत हमको नहीं लग रही है। चलिए 33 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए 34 पे आइए, यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय, तो यूट्रोफिकेशन कैसे होता है, यूट्रोफिकेशन किसमें होता है, ये सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर की वजह से होता है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये आसान सवाल है, इसमें कोई बहुत समझने की जरूरत नहीं होती है। ओके चलिए यूट्रोफिकेशन को याद रखिएगा, आंसर डी मार्क कर लीजिए 34 का। 35, व्हिच टाइप्स ऑफ ओवरी इज फाउंड इन द लिलेशियन फैमिली, चलिए आंसर बताइए 35 पर जल्दी से, आंसर बताइए लिलेशी के लिए, ये भी आसान सवाल है। 35 शीघ्र करें, समय आज थोड़ा ज्यादा लग गया, अगले में जितना समय नहीं लगेगा। ठीक है चलिए 35 का भी बिल्कुल सही आंसर है, 35 का भी आंसर होगा। 36, इसोमा क्लोनल वेरिएशन अपीयर्स इन प्लांट ग्रोइंग इन पॉल्यूटेड सॉइल और वाटर एक्सपोज्ड और गामा रेज रेज इन द टिश्यू कल्चर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सोमा क्लोनल वेरिएशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये आपका के लिए होता है, बताइए जरा, रेज्ड इन टिश्यू कल्चर एक्सपोज्ड गामा रेज ग्रोइंग इन पॉल्यूटेड सॉइल वाटर या ट्रांसफॉर्म बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 36 का आंसर रेज्ड इन टिश्यू कल्चर इसका सही आंसर होगा, आंसर इसका क्या होगा, सी, सोमा क्लोनल वेरिएशन वहीं पे मिलता है जहां पे हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, ठीक है, पढ़ा हुआ टॉपिक है ये। 36 का सी बिल्कुल सही। चलिए 37, ए हनी बी ड्रोन आर प्रोड्यूस फ्रॉम, हनी बी कहां से बनता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, लार्वा,
या भाई रॉयल जेली या फास्टिंग लार्वी, बताइए हनी भी कैसे बनता है? तो हनी भी बनता है अनफर्टिलाइज एग से, ये आपको पता है सबको। हनी भी किससे बनता है? अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सी आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, 37 के बाद 38। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सेल रिक्वायर्स, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो कैसे बनाता है? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा हमेशा एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो हाई टेम्परेचर एटीपी एल्कलाइन पीएच साल्ट, तो क्या होता है एटीपी बनता है, क्या बनता है एटीपी की रिक्वायर होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एटीपी चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द काइंड ऑफ एपिथेलियम व्हिच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, द काइंड ऑफ एपिथेलियम व्हिच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलोनर एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलोनर एपिथेलियम या स्क्वैमस एपिथेलियम, आपको पता होना चाहिए कि 39 में जब भी हम ब्लड वेसल्स की बात करेंगे या एल्विलाई की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए, 38 का डी आंसर हो गया है, 39 बताइए, 39 में स्क्वैमस डी आंसर होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंसेक्टिवरस प्लांट, कौन सा इंसेक्टिवरस प्लांट, इसे सब थ्योरेटिकल सवाल है, जुबानी करने वाले, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, आंसर बताते रहिए बस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंसेक्टिवरस प्लांट, कौन सा इंसेक्टिवरस प्लांट नहीं है, तो ड्रोसेरा है, निपेंथीज है, मोनोट्रोपा, यूट्रिकुलरिया, बताइए आंसर। मोनोट्रोपा और यूट्रिकुलरिया में आंसर बताइए, 40, शीघ्र करें। तो मोनोट्रॉप आपको पता है एक चल रहा है, लिखेंगे नहीं अभी, जरूरत नहीं। 40 का सी मोनोट्रॉप, ये ऑर्गन पाइप प्लांट बोलते हैं इसको, आप नोट कर लीजिएगा, ऑर्गन पाइप प्लांट बोलते हैं इसको, और ड्रोसेरा, नेपेंथीज, एट्रिकुलरिया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इंसेक्टिवरस प्लांट हैं, मोनोट्रॉपा नहीं है। चलिए 41, प्रेगनेंसी बिगिंस विद द इम्प्लांटेशन ऑफ, प्रेगनेंसी कब शुरू होती है, तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन पे, फर्टिलाइज्ड ओवम पे, ब्लास्टोपोर पे या ब्लास्टोसिस्ट पे, आंसर बताइए। अच्छा गेस किया और सही हो गया, कोई बात नहीं, मोनोट्रॉप गेस भी तभी सही होता है जब हम कुछ पढ़ते हैं, ऐसे ही गेस सही नहीं होता, ठीक है। आपको ड्रोसेरा, नेपेंथीज, एट्रिकुलरिया के बारे में आइडिया था, मोनोट्रॉपा के बारे में नहीं था, वेल डन, बहुत बढ़िया, अब सभी लोगों ने सही आंसर किया। चलिए आंसर बताइए 41 का, प्रेगनेंसी की शुरुआत, प्रेगनेंसी बिगिंस विद इम्प्लांटेशन ऑफ, 41 का डी, यस बिल्कुल सही, ब्लास्टोसिस्ट से शुरुआत होती है, ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन पे सातवें दिन इसका इम्प्लांटेशन होता है। Application of biotechnology includes all except biotechnology, includes all except bio-fertilized crops, gene therapy, molecular diagnostics, conventional hybridization. क्या होगा आंसर 42 में? आंसर क्या होगा सर? देखिए इसमें बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, जीन थेरेपी में भी किया जाता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में भी किया जाता है, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, इन एन ऑर्गेनिज्म इफ द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 8, How many chromatids are present at each daughter cell at the end of meiosis 1? देखिए ये सवाल अच्छा है, इसको करना चाहिए 43 में। इसमें क्या होता है कि आपने पढ़ रखा था कि अगर एक क्रोमोसोम होगा, देखिए हम सिंपल सी बात करते हैं meiosis 1 के दौरान, तो कोई बात नहीं, सिंपली बात करते हैं, आपका आंसर क्या आ रहा है वो अभी हम देखेंगे। लेकिन अगर आप 2n की बात करेंगे तो 2n में मान लीजिए कितने क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, 8 क्रोमोसोम की, और जब आप मियोसिस वन में आ जाएंगे तो आपको एन मिल जाएगा, तो एन में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, जो 4 क्रोमोसोम। यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक क्रोमोसोम होता है
एक क्रोमोसोम अगर होता है यहाँ पे तो कितने क्रोमेटिड होते हैं? दो क्रोमेटिड होते हैं। तो अगर आठ होंगे पहले वाले में एट, तो 16 क्रोमोसोम हो जाएगा। लेकिन एन में आपके चार हैं तो 4:2:2 = 8 क्रोमेटिड आ गया। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? अब आप चेक कर लीजिए आंसर, किसी ने भी सही आंसर नहीं किया यहाँ पे, तो 43 का आंसर सी हो जाएगा। चलो नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 44। डायग्राम आर द कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड फॉर द फीमेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस, नो। दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्वाइकल रीजन, ओके, यस yes 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 no doubt yes karte hain। they are the example of physical barrier, okay, yes। they act as spermicidal agent, ye kisi prakar ka spermicidal agent nahi banate। okay, ठीक है, मैं इसका आंसर बता दूं फिर आपके उस क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है, चलिए, तो 41(3) का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आई थिंक सी आंसर इज करेक्ट, 44 का सी हो गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर 43 दोबारा बता दीजिए। देखिए 43 में सवाल में क्या कहा गया है, आप पहले तो ये समझिए। सवाल में कहा गया है कि हमें मियोसिस वन के दौरान बता दीजिए कि क्रोमेटिड की संख्या कितनी होगी। अगर आप 43 में हम दोबारा आ गए हैं, नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 8। अगर 8 है, हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल द एंड ऑफ मियोसिस वन, यानी एन आपसे पूछ रहा है, एन कितना है? 4। अब आप बताइए, अगर n यहां पे 4 हो जाएगा तो इसका जब आप क्रोमेटिड देखेंगे इसमें, तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड दिखेगा आप बताइए ना। एक क्रोमोसोम में आपको दो क्रोमेटिड दिखेगा सिंपली। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया सभी लोगों को। दो क्रोमेटिड, दैट इज फाइन। गिरिजेश पांडे, यस, कमेंट में बताइए जल्दी से। सुनील मिश्रा, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम 19 क्वेश्चन को समझाएंगे अब, जिन पे समझाने की जरूरत है। धन्यवाद, धन्यवाद सुनील जी, बहुत बढ़िया, टारगेट भी वही था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगल चॉइस क्वेश्चन, एबीए इज इन्वॉल्व इन द डॉर्मेंसी ऑफ सीड, रूट एलॉन्गेशन, सूट एलॉन्गेशन या इंक्रीज सेल डिविजन, बताइए क्या होगा इसमें? आज समय मत देखिएगा, कल से समय देखिएगा। एबीए इन्वॉल्व इन डॉर्मेंसी ऑफ सीड, रूट एलॉन्गेशन, सूट एलॉन्गेशन या इंक्रीज सेल डिविजन। तो यहां पे डॉर्मेंसी ऑफ सीड के लिए एबीए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए 45 का ए, बिल्कुल सही, हम भी समय नहीं देंगे आपको, बिल्कुल। सिंगल चॉइस, कैल्सिटोनिन की बात करें तो कैल्सिटोनिन की अगर बात करेंगे तो लोअर कैल्सियम लेवल इन द ब्लड, elevate calcium level in blood has no effect on calcium level, elevates potassium level in blood। देखिए calcitonin का function क्या है, ये bone में तो calcium level को बढ़ाता है, लेकिन ECF में, extracellular fluid में calcium को घटाता है, तो कहीं ना कहीं ये overall घटा देगा। ठीक है, तो it lowers the calcium level in blood, ये calcium level को घटा देगा। तो answer क्या हो जाएगा? Answer हो जाएगा इसका A। आप लोग भी आंसर कर लीजिएगा, 46 का ए आंसर होगा। 47, पॉलिनेशन दैट अकर्स इन द क्लोज्ड फ्लावर इज नोन एज, बहुत ही आसान सवाल है और ये हॉटस्पॉट है जहां से सवाल बनता है। तो क्लोज्ड फ्लावर आपको क्या बोलते हो? क्लोज्ड फ्लावर को एलोगैमी, क्लिस्टोगैमी, डिक्लाइनी या प्रोटोगाइनी। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बहुत अच्छे से पढ़िएगा, फिलहाल यहां पे आंसर होगा बी, ऑग्यूलस कैमेलाइना इसका एग्जांपल होगा, जहां पे हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करते हैं। फिलहाल उसमें चेस्मोगैमस फ्लावर भी होता है जो एक्सपोज्ड होता है। तो 47 का आंसर बी। 48, कॉर्क कैम्बियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम, या कॉर्क कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम,
कॉर्क कैमियम इज डेवलप्ड फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम, इंट्राक्यूलरी मेरिस्टम, प्रिमिटिव मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम? तो आंसर बता दीजिएगा जल्दी से इसका क्या होगा। कॉर्क कैमियम किससे बनता है? लेटरल मेरिस्टम से बनता है, ठीक है। तो 48 का आंसर डी होगा, मैं लिख भी नहीं रहा हूं, आपका समय बिल्कुल खर्च ना करना चाहता हूं। 49, which of the following statements regarding coenzyme and posterior groups of enzyme is not true? Both are required for enzyme action, both can be separated from enzyme by dialysis, both are organic compound, both are not polypeptide. देखिए, आपको coenzyme और posterior group के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये non-protein part होता है, posterior group और coenzyme, ठीक है। दूसरी बात, इस पे दो तीन पॉइंट याद रखिएगा। पहली बात, ये non-protein part होते हैं, non-protein। दूसरा, ये एंजाइम एक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये पार्ट अच्छा है जहां पे सवाल बनता है, एंजाइम एक्शन के लिए अगर इसको निकाल दिया जाएगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा। तीसरी बात, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब 49 का आंसर क्या कर रहे हैं लोग? डी आंसर कर रहे हैं। भैया ये नॉट पॉलीपेप्टाइड है, मैं पहले कह चुका हूं ये प्रोटीन नहीं है, तो कहे गलत हो, कहे कोई आप इसको गलत करो तो सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं और एंजाइम एक्शन के लिए जरूरी होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो आप करेंगे ही नहीं, जो आंसर होगा, तो 49 का आंसर बी। आप इसे, ये चूंकि टाइटली बाउंड होता है तो आप इसे डायलिसिस करके कहां से निकाल लेंगे, तो आप इसे अलग नहीं कर सकते, इसलिए 49 का आंसर बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सब लोगों ने इसका आंसर गलत किया है। देखिए यहाँ पे मॉर्फिन तो है, हेरोइन भी है, मॉर्फिन है, हेरोइन है, पैथिडिन और एम्फेटामिन में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो 50 का डी आंसर। अरे भैया, मॉर्फिन का पापा है पैथिडिन, जिसका नाम है मेथाडोन। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेथाडोन जो है, इसका एक और नाम है मेथाडोन, ये और खतरनाक है, मतलब ये ज्यादा खतरनाक है पैथिडिन, ठीक है। तो डी, सी और बी, ये सब के सब नार्कोटिक्स हैं, एम्फेटामिन नार्कोटिक्स नहीं है, ये स्टिमुलेंट है, समझ गए? आप मॉर्फिन को जानते हैं, पैथिडिन को भी जानते रहिएगा, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जरूर पढ़िएगा अच्छे से, वहां पे सवाल बनता है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमिडोमोनास इज, क्लोरोप्लास्ट जो क्लेमिडोमोनास का है ये कैसा होता है? तो मैं भी सीख गया हूं इसको कैसे करते हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत खेल होती है भाई, समय लगता है सीखने में, जैसे ही खुश हो जाते हैं कि सीख गए, तुरंत कुछ ना कुछ गड़बड़। चलिए आंसर क्लियर बताइएगा जल्दी से। इक्यावन का सी आंसर आ रहा है और ये सही आंसर भी है, 51 का सी। बहुत आसान सा सवाल है, कब सेफ होता है क्लेमिडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट का सेप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52, वायरल इंफेक्शन इज यूजुअली अब्सेंट इन, वायरल इंफेक्शन इज यूजुअली अब्सेंट इन, कहां अब्सेंट होता है? हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि वायरल इंफेक्शन एपिकल मेरिस्टेम में अब्सेंट होता है, जहां पे एक्सिलरी और एपिकल मेरिस्टम की बात कर रहे होते हैं, और मेरिस्टम में जो वायरल मल्टीप्लिकेशन, एपिकल मेरिस्टम की मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी होती है वह वायरल के, वायरस के मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी से बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम इसमें वायरल इन्फेक्शन ऑब्टेन्ड नहीं कर पाते, या वायरल इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, डायग्राम बिलो द सोया साइकिल, देखिए ये इंटरफेस है, इतने को कह रहे हैं ये, मैं आपको क्लियर कर दूं, इतने को ये इंटरफेस कह रहे हैं, मतलब सॉरी, ये पूरे को इंटरफेस कह रहे हैं, इतने को इंटरफेस कह रहे हैं, और इतने को ये एम फेस कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जरा देखते हैं, साहब कह रहे हैं कि हमको बी बता दीजिएगा, बी बता दीजिए कि क्या होता है,
वाला पार्ट पूछ रहे हैं, व्हाट इज बी। अब बी कौन सा है, ये वाला है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, G1 देन G2, सॉरी G1 देन S एंड देन G2। तो G1 S G2 और उसके बाद M। तो G1 में सबसे ज्यादा क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA, ये S में होता है। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, ये S में होता है। क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम शॉर्टर एंड थिकर, ये प्रोफेज में होता है, यहाँ पे नहीं होगा। आंसर इज 52 का डी, 53 का डी। ठीक है, 53 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। हाई मेटाबॉलिक रेट एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आंसर जरूर करिएगा। 53 का डी आंसर होगा। ठीक है, Two friends are eating together in the dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement. अब देखिए, मैं इन सवाल पर डिस्कशन नहीं करूंगा। नीट प्रीवियस ईयर का सवाल है ये, सीधे आंसर बताऊंगा। 12 का आंसर, 44 का आंसर, ए एपिग्लॉटिस राइट आंसर। दो लोग फ्रेंड एक साथ बैठ के खा रहे थे, अचानक उनका भोजन करने वाला छूते हुए निकल गया। आंसर इज ए एपिग्लॉटिस राइट आंसर। 55, which one of the following is the first step of glycolysis? Glycolysis की पहले step कौन सी है? Breakdown of glucose, phosphorylation of glucose, conversion of glucose into fructose, या dehydrogenation of glucose? देखिए, अगर steps में कोई confusion है तो आपको clear हो जाना चाहिए। Glucose से glucose 6 phosphate बनता है, तो glucose से 6 glucose से 6 glucose 6 phosphate जब बनेगा, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं बात करते हैं phosphorylation of glucose की। तो 55 का answer क्या हो जाएगा? B. 56. In mitochondrial electron transport, the number of ATP molecules synthesized does not depend upon the nature of electron donor. Ubiquinone on the nature of electron donor. Ubiquinone receives reducing equivalent via FADS2 also. Cytochrome C is a larger protein attached to the outer surface of the inner mitochondrial membrane. Complex 4 has a cytochrome A3 but no copper center. चलिए, अब तक तो आपको आंसर इसका कर देना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो आपका फोर्थ ऑप्शन है सर, यही गलत है, आपसे इनकरेक्ट पूछ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या पूछ रहा है ये देखने वाली बात है। 56 में गलत पूछ रहा है। ओके, तो आपका ये जो फोर्थ वाला है ये गलत हो गया, क्योंकि कॉपर सेंटमेंट समझा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। और नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड करता है। यूबिक्विनोन रिसीव प्रोड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया एफएडीएस2। अब आंसर बताइए 56 का। 56 का डी, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है सर, करेक्ट पूछ रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तो गलत है। सी भी गलत है, ए भी गलत है, बी इज ओनली करेक्ट। एनसीईआरटी को अच्छे से चेक करिएगा, फैक्ट है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। वो सेकेंड वाला है जहां मैं कहता हूं कि यूबिक्विनोन एफएडीएस2 से रिड्यूस डायरेक्टली ले लेता है, जिससे कि एक एटीपी बच जाता है बनाने से एफएडीएस2, याद करिएगा, उसी पॉइंट पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। यूबिक्विनोन है जो एफएडीएस2 से भी ले लेता है और ऊपर एनएडीएस2 से भी लेके आता है, दोनों के पास उसकी कैपेसिटी होती है। 57, which one of the following branches of biology applies to both plant and animal? प्लांट और एनिमल दोनों में जो अप्लाई हो जाए ब्रांच कौन सी है? एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या टैक्सोनॉमी? बेहद आसान सवाल, बताइए जल्दी से, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए कौन सी ब्रांच इस्तेमाल होती है? एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी? नहीं सर, ओनली डी आंसर। यस, बिल्कुल सही, सिर्फ डी आंसर सही है। टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी, एनिमल टैक्सोनॉमी दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। 58, नेम द अनलेवल्ड एरिया ए एंड बी ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द बायोडायवर्सिटी शोइंग देयर प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टैक्सा, ए एंड बी। तो आपसे पूछ रहे हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा और इसको करना भी होता है। तो इसका आंसर चाहिए होगा 58 का, जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर। 58 का बी कैसे कर दिया? फंजाई जिम्नो नहीं है सर, फंजाई एनजीओ है। तो 58 का डी आंसर होगा। ठीक है,
ऑप्शन में अलग से आपको इसे दिखा रहा हूँ, 58 फंजाई एंड एंजियोस्पर्म, फिर से देख लीजिए चाहे फंजाई एंड एंजियोस्पर्म, कोई कंफ्यूजन, बी क्यों कर रहे हैं 58 का लोग, बी नहीं होगा, फंजाई जिम्नो नहीं, फंजाई एनजीओ, ठीक है चलिए। नेक्स्ट सिंगल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर्स टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए होता है, तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, या बायोसेफ्टी ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जल्दी से आंसर बताएं 59 का। सी आंसर, सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। आप लोगों की प्रिपरेशन भाई बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत सही आंसर करते हैं। 59 का बी, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज, नो, सी आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, डीएनए आरएनए जो टैग होता है रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल से, देखिए जब भी कभी रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसे प्रोब कहा जाता है, क्लोन वेक्टर या प्लाज्मिड नहीं, क्या बोलते हैं, प्रोब कहा जाता है। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। वैलियम इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, क्या बोलते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स, बारबिटूरेट्स, स्टिमुलेंट या हेलोसिनोजेंस, 60 का बी आंसर आ चुका है। 61 का बताइए, अब तो बढ़िया चल रहा है सपना, फाइन। चलिए 61 का बी, बारबिटूरेट्स, एक्चुअली वैलियम इज द ट्रैंक्विलाइजर, ओके, वैलियम इज द ट्रैंक्विलाइजर एंड बेंजोडाइजेपिन्स इज द ट्रैंक्विलाइजर एज वेल, तो ये कहीं ना कहीं आपको टाइप्स ऑफ ड्रग जाके पढ़ना चाहिए। बेंजोडाइजेपिन्स इज द राइट आंसर, जहां तक मुझे लग रहा है, इसका आंसर आप बता दीजिएगा, यस 61 का ए आंसर, बिल्कुल सही अनुभव शुक्ला जी, आप सही कह रहे हैं, 61 का आंसर ए होगा, और आप इसको जाके देख भी लीजिएगा एक बार, टाइप्स ऑफ ड्रग जरूर पढ़िए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से प्लीज। 62, इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, कलर ब्लाइंड मैन मैरी होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, यानी ऐसे केस में हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, उनके सन को कलर ब्लाइंड होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो एक्स सी एक्स देन दूसरा एक्स सी एक्स देन एक्स वाई एंड एक्स वाई, आंसर 62 का ए, बिल्कुल सही, 0% इज द राइट आंसर, 0% चांसेस होंगे, मैंने करके आपको दिखा दिया है, इन दोनों में किसी प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। चलिए 63, द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉजेज अ फ्लूइड टू फिल्टर आउट द ग्लोमेरुलर नेफ इनटू द कैप्सूल, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है, कैसे निकालते थे फिल्ट्रेशन प्रेशर, याद करिए नेट प्रेशर कैसे निकालते थे, याद करना, नेट प्रेशर आपके पास क्या होता था, बीसीओपी, ऐसे नहीं, एक सेकंड, नेट प्रेशर कैसे निकालते थे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस बीसीओपी प्लस, याद करिए कोलाइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, है ना, ये इसी से तो निकालते थे, और ये लगभग कितना आता था, 10 से 25, यस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। टॉपिक को प्लीज एक बार, जो सवाल आपको कहीं भी कंफ्यूज कर रहा है उसको अच्छे से करिएगा घर जाके। चलिए अब इस सवाल मुझे कुछ नहीं बताना, 64 का आंसर बताइए, फाइंड द इनकरेक्ट, ह्यूमन यूरोटेलिक, बर्ड्स यूरिकोटेलिक, लिजर्ड यूरिकोटेलिक, व्हेल अमिनोटेलिक, व्हेल कैसा होता है सर, व्हेल यूरोटेलिक होता है, व्हेल यूरिको अमिनोटेलिक नहीं होता, ह्यूमन जो है यूरोटेलिक है, बर्ड्स जो है आपका वो यूरिकोटेलिक है, लिजर्ड यूरिकोटेलिक है, व्हेल अमिनोटेलिक है, तो व्हेल आपका गलत है और ये क्या होगा, यूरोटेलिक होगा, ठीक है। चलिए 64 का आंसर हो चुका है, अब आप 65 का आंसर बताइए जल्दी से। When environmental condition are favorable,
When environmental conditions are favorable, then the population growth curve will be hyperbola, J-shape, S-shape या none of these. देखिए, ये सवाल अच्छा है, आपको समझना होगा. जब भी environmental condition favorable हो, यानी किसी प्रकार का कोई resistance ना हो, यानी food supply unlimited हो, तो उस समय curve कैसी बन के आएगी? Hyperbola, J-shape, S-shape या none of these. जल्दी बताएं आंसर. शीघ्र करें आंसर. समय बहुत नहीं है हमारे पास. सिर्फ 10-15 मिनट बचा है मैक्सिमम. बस उसी में करना है. ऐसा नहीं कहीं जा रहे हैं. जा नहीं रहे. 65 का आंसर बी. यस, बिल्कुल सही. आप सभी लोगों ने 65 का आंसर सी. नहीं सर, सी मत करिए प्लीज. बी से काम चला लीजिए. जे सेफ होगा. अनुभव शुक्ला, सिंबल में क्या कहना चाहते हैं जल्दी से बताइए. सिंबल समझ में नहीं आता मुझे. मेरे अकॉर्डिंग आपका सिंबल मुझे कन्फाइंड नहीं कर रहा है. प्लीज क्लियर क्या कहना चाहते हैं जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़े. 66 का आंसर बताइए. विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज इन द बायोगैस प्लांट. अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब ये होता है. ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं. व्हिच बैक्टीरिया यूटिलाइज इन द बायोगैस प्लांट? मेथेनोजेंस, नाइट्रिफाइंग, एमोनिफाइंग या डीनाइट्रिफाइंग. देखिए, बायोगैस में मेथेनोजेंस इस्तेमाल होता है. यहाँ पे मीथेन सबसे ज्यादा होती है, देन CO2, उसके बाद आपका H2S होता है और थोड़ा बहुत हाइड्रोजन भी होता है. तो 66 का आंसर ए. ठीक है, चलिए 67. Erythropoiesis may be stimulated by the deficiency of. 67 का आंसर बताइए. Now fine. शुरुआत में तो लग रहा था कि होगा ही नहीं. इसीलिए कहते हैं अगर शुरुआत में तकलीफें आए तो परेशान नहीं होना चाहिए, हिम्मत से लड़ते रहना चाहिए, कहीं आगे जीत जाते हैं हम लोग. चलिए 67 का आंसर बताइए. Erythropoiesis may be stimulated by the deficiency of. मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग सवाल पढ़ते नहीं है, सिर्फ आंसर जो आपके मन में आता है वो करते हैं. ए आंसर यहां पे नहीं होगा. और सिर्फ एक आंसर सही हुआ है. प्रदीप राजभर जी ने बी आंसर किया है. क्वेश्चन को पहले पढ़िए डॉक्टर साहब. यस, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन किया भैया ने. एट हिल्स एरिथ्रोपोइसिस कब होती है? जब स्टिमुलेट करने की बात कर रहे हैं, जब एल्टीट्यूड सिकनेस की बात करते हैं आप. एल्टीट्यूड सिकनेस में यस बी आंसर होगा. जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कर दिया जाता है, एरिथ्रोपोइसिस होने लगती है. तो आयरन तो बेकार की बात, आयरन तो रोक देगा, मतलब अगर ये नहीं होगा तो रोक देगा. ठीक है, तो ऑक्सीजन की जब डिफिशियंसी हो जाएगी तब. ये बहुत अच्छा सवाल है. तो आंसर इज बी, गलती ना करें प्लीज. समझ गए, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, एरिथ्रोपोइसिस बढ़ जाएगी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 68. Apomixis is a type of reproduction. Apomixis is a type of reproduction that results in the development of. Apomixis में क्या होता है? याद करिएगा. Apomixis में क्या होता है? Development of seed without fusion or without fertilization. ठीक है? तो seed का formation होता है बिना fertilization के. तो seed का formation बिना fertilization के apomixis. आंसर क्या हो जाएगा? New seed with fusion of gamete, embryo from the new cellus. New seed without fusion of gamete, या embryo from the endosperm. तो answer should be A, B, C. C answer होगा. ठीक है, चलिए. 69. Which of the following statement is correct? Paramecium and Plasmodium belongs to the same kingdom as the Penicillium. Lichen is a composite organism formed from symbiotic association of algae and protozoan. East. अब देखिए, ऊपर Paramecium, Plasmodium किंगडम फंजाई से बिलोंग नहीं करता. लाइकेन जो आपका है ये कंपोजिट एल्गी प्रोटोजोन्स का नहीं है, एल्गी और फंजाई का होता है.
नाबिना एंड नास्टॉक आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा, ये दो के दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा सच नहीं है। ठीक है, तो आंसर 69 का सी होगा, ईस्ट जो है ये ब्रेड और बियर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। 70, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर, ये कॉमन सेंस का सवाल है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कहां पाए जाएंगे, जहां होते होंगे वहीं पाए जाएंगे, तो ब्रेन, रेटिना, स्पाइनल कॉर्ड या टंग, सबसे ज्यादा कहां होगा, जल्दी बताइए आंसर, सबसे ज्यादा कहां होगा, सत्तर का ए आंसर होगा, ब्रेन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 70 का ए बी। अगला, एब्जॉर्प्शन ऑफ, एड्जॉर्प्शन लिख दिया साफ साफ, एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, एड्जॉर्प्शन देखते ही तो आपको आंसर आ गया होगा, सेलुलोज एंड पेक्टिन इन द रूट हेयर सेल वॉल इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इम्बाइबिशन, गटेशन या ऑस्मोसिस। तो एड्जॉर्प्शन अगर होगा तो डिफ्यूजन नहीं होगा, गटेशन नहीं होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस लिख दिया, पेक्टिन लिख दिया, एड्जॉर्प्शन लिख दिया, आंसर अब आप बता दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, इम्बाइबिशन। चलिए 70, प्लाज्मोड एस्मेटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल लाइंड बाय, अब इसका भी आंसर बताइए, ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोडक्शन ऑफ डॉली द शेप वाई क्लोनिंग प्रीवेलेंस ऑफ द पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट डेवलपमेंट ऑर्गन फ्रॉम द स्टेम सेल फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखिए, जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको याद होगा 73 क्वेश्चन में आपने पढ़ा था प्रीवेलेंस ऑफ द पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये भी आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की जो बात कर रहे होते हैं, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हो या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, अलग से दिया हुआ एक पार्ट वहाँ पे हम पेस्टिसाइड और इंसेक्ट की बात करके आए हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन में जो आपका आंसर हो जाएगा डार्विन के लिए क्या हो जाएगा, सी, प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट एंड एंटीबायोटिक इज द राइट आंसर। 74, what are the most important function of botanical garden? अब botanical garden का most important function क्या हो जाएगा? तो 74 का answer बता दीजिए। One can observe tropical plant there. They allow the ex situ conservation of germplasm. They provide the natural habitat of the wildlife. They provide the beautiful area of the recreation. तो 74 का answer चाहिए होगा। जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग आंसर करेंगे। इक सीटू कंजर्वेशन जो है वो इसमें हेल्प करेगा, तो जो बॉटनिकल गार्डन होता है वो इक सीटू कंजर्वेशन जर्मप्लाज्म का करता है। 25, सिंगल चॉइस, होमोसील इज फाउंड इन, अनुभव शुक्ला जी भी लास्ट में बता दीजिएगा किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैं दोबारा खत्म करने के बाद सेशन आपके डाउट्स के लिए भी 5 मिनट अलग से लूंगा, जिसका भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। अच्छा, ग्रेजियस रॉन्ग, ओके चलिए 75, होमोसील कहां प्रेजेंट होता है, तो आंसर बता दीजिएगा, हाइड्रा, ऑरेलिया, टीनिया, एस्केरिस, कॉकरोच, स्कॉर्पियन, ब्रैनोगर्स, नार्डमोनिया, तो आंसर क्या होगा यहां पे, होमोसील इज फाउंड इन कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन, कहां होगा, कॉकरोच और स्कॉर्पियन में हीमोसील पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम ए डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ, देखिए बहुत आसान सवाल है ये, कॉर्पस ल्यूटियम अगर डिसइंटीग्रेट कर जाता है तो LH, प्रोजेस्टेरोन, LDH, FSH, कौन सा हार्मोन घट जाता है, तो मुझे आप आंसर अभी क्वेश्चन जब देखेगा तो करिएगा, 76 का आंसर प्रोजेस्टेरोन होना चाहिए, यहां पे प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट घट जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर, चलिए 76 हो गया, 77, एंड द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के फंक्शन को लेके ऑड वन छांटना है, तो इसका फंक्शन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, एनर्जी फ्लो
ओके डिकम्पोजिशन या फिर स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है, एनर्जी फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता। तो स्ट्रेटिफिकेशन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 77 का डी। ठीक है, चलिए 78। डीएनए मॉलिक्यूल टू व्हिच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर द क्लोनिंग। सवाल अच्छे से पढ़िएगा। द डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग। क्लोनिंग के लिए बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, वेक्टर इज द राइट आंसर। वेक्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, मेरे फोन में नहीं दिख रहा है, जरा मेरा फोन ही पीछे है काफी। चलो कोई बात नहीं, आप लोग आगे रहिए, हम भी पीछे पीछे चलेंगे। तो 78 का क्या होगा आंसर, ए हो जाएगा, ठीक है, जिसमें इंट्रोड्यूस करने की बात हम करते हैं। 79, इन द टिश्यू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जब भी कभी CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के प्रति बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाएगी। जी नहीं, increase the affinity of hemoglobin to oxygen but decrease the affinity to hydrogen. जल्दी बताइए, देखते हैं, decrease the affinity of hemoglobin to oxygen but increase its affinity to hydrogen. Okay, so 79 का आंसर बताइए। ऑक्सीजन के प्रति बाइंडिंग एफिनिटी तो घटेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो ए आंसर आपका गलत हो गया, ठीक है, और increase the affinity of hemoglobin तो बी भी गलत हो गया। अब आपके पास सिर्फ दो आंसर है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए या फिर एक ही के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए बढ़ेगा और हाइड्रोजन के लिए घटेगा, तो आंसर क्या होगा, सॉरी हाइड्रोजन के लिए बढ़ेगा, ऑक्सीजन के लिए घटेगा, बिल्कुल नॉट सॉरी, तो आंसर इज सी। चलिए सी 80, इन द C4 प्लांट क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ सेम टाइप। जी नहीं, क्रेंज एनाटॉमी अकर्स वेयर मेसोफिल हैव लार्ज क्लोरोप्लास्ट वेयर एज बंडल सी सेल हैव ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मेसोफिल सेल में लार्ज क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्रेंज एनाटॉमी अकर्स वेयर मेसोफिल सेल हैव स्मॉलर क्लोरोप्लास्ट एंड बंडल सी सेल हैव लार्जर ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट। ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा, बंडल सी सेल में एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रेनुलर नहीं होता। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा और चौथा देखते हैं। क्रेंज एनाटॉमी वेयर मेसोफिल सेल आर डिफ्यूज, तो गलत है आंसर, ओनली एंड ओनली सी, 80 का सी आंसर होगा, जहां पे मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर होते हैं और बंडल सी सेल में लार्जर होते हैं, एक ग्रेनुलर होते हैं। ठीक है, 31, क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन बोथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वाटर, नन ऑफ दिस। तो कितने सॉल्युबल होंगे, 80 का आंसर हो चुका है, 81 का आंसर चाहिए होगा, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो क्लोरोफिल आपका किसमें सॉल्वेंट होता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये याद कर लीजिएगा। 82, कट पीस ऑफ ब्रायोफिल्लम लीफ व्हेन पुट इनटू द वेट सोइल प्रोड्यूस न्यू प्लांट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ब्रायोफिल्लम। चैप्टर 1 का दूसरा सवाल याद रखिएगा, एक सवाल इसके पहले हम लोगों ने और किया था जो एम्ब्रियोजेनेसिस वाला था, पहला सवाल, और अब 82 नंबर सवाल, ये भी चैप्टर 1 का ही है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द राइट आंसर, टिश्यू कल्चर नहीं, लीफ प्राइमर्डियल कल्चर नहीं, मेरिस्टेम कल्चर नहीं, आंसर इज ओनली 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 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ब्रायोफिल्लम पढ़ते हैं, गैब अमेरिकाना पढ़ते हैं, वहां पे याद करिएगा, पुराना पॉइंट है। 83, इनोमिनेट इज ए नर्व मसल एनिमल पार्ट ऑफ स्केलेटन। ठीक है, इनोमिनेट क्या होता है, जिसका नाम नहीं होता है, जो नॉट नेम्ड, तो नर्व के नाम होते हैं, मसल के भी नाम होते हैं, एनिमल के भी होते हैं, पार्ट ऑफ स्केलेटन, कुछ स्केलेटन है जैसे पेल्विक गर्डल, इसका कोई नाम नहीं है इस तरीके से, तो फिर भी एलियमस्टियम प्यूबिस का होता है। फिलहाल ये सवाल पूछा जाता था, इसका कोई आंसर फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर आप आंसर करने पे आ जाएं BHU और CBMT के अकॉर्डिंग, तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। वैसे मेरे हिसाब से आंसर इसमें नहीं करना चाहिए। एनोमिनेट वेन होती है, याद रखिएगा, स्केलेटन हो सकता है, मेरी व्यक्तिगत राय इसमें जा सकती है। ठीक है, फिलहाल आंसर इस सवाल पे बहुत पीछे ना पड़े, हटा दें तो भी, ये एक सवाल ये और एक जो सिमेंसिया चैनेंसिस मैंने बताया था उस सवाल, दो क्वेश्चन को ना करें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट 34, एग्जांपल ऑफ द एरिया वेयर सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स आर। बहुत अच्छा सवाल है ये, सेकेंडरी सक्सेशन जहां पे
नहीं होता है तो सेकेंड डिसेप्शन कहाँ होता है, जहां पे पहले एक बार कुछ ना कुछ ग्रो कर चुका है। तो अबेंडेंट फॉर्म लैंड, न्यूली कूल्ड लार्वा है, नहीं बर्न्ड और कट फॉरेस्ट लैंड विद हैव बीन फ्लडेड, जलाया हुआ या कटा हुआ जो फॉरेस्ट है अभी ताजा ताजा, उसमें हम सेकेंडरी डिस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं। न्यूली कूल्ड क्रिएटेड पॉन्ड में नहीं करेंगे, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड में नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कहां करेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रक्शन कहां होता है, बी में होता है। 34 का आंसर बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 सिंगल चॉइस, नेगेटिव बोपेरॉन की बात कर रहे हैं। तो इंड्यूसर बाइंड विद रिप्रेसर, रिप्रेसर डज नॉट बाइंड विद रिप्रेसर। देखिए नेगेटिव ऑपेरॉन हमारे पास लैक ऑपेरॉन है, लैक ऑपेरॉन में हम क्या करते थे, इंड्यूसर जाके हमारा रिप्रेसर से बंध जाता था, उसके काम करने को मना करता था और हमारा लैक ऑपेरॉन ऑन हो जाता था। तो लैक या लैक्टोज की बात कर सकते हैं या एलोलैक्टोज, तो लैक्टोज या एलोलैक्टोज जाकर के रिप्रेसर से बाइंड कर जाता था, ऐसा ही होता है, इंड्यूसर बाइंड विद रिप्रेसर, इट इज द ए आंसर। 86 चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू ड्रग इट्स सोर्स, 45 का आंसर आप लोगों ने कर दिया है और कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं जो कि गलत है, ही आंसर सही होगा। अब आइए ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो ड्रग में मॉर्फिन, लेटेक्स ऑफ पेपर, सोमनिफेरम डिप्रेस द ब्रेन एक्टिविटी एंड इट इज वेरी इफेक्टिव स्टिमुलेंट, नहीं ये स्टिमुलेंट नहीं है। ठीक है कोकीन, इरिथ्रोजाइलिन हाई लेवल डज नॉट कॉज हेलुसिनेशन, गलत है करता है। ड्रग हीरोइन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन यूज्ड टू रिड्यूस पेन। ओके 86 का आंसर आ चुका है, बट ये पढ़ लेते हैं, बारबिट्यूरेट्स डेरिवेटिव ऑफ ऑपियम, बेकार का पॉइंट है ये। चलिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 86 का सी आंसर होगा। 86 में मॉर्फिन जो है हीरोइन जो है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है और यूज टू रिड्यूस पेन। चलिए 87 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द डीएनए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसे आएगा, आप देखिए GAATTC पलट दीजिए, GAATTC यही होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है और इसमें देखिए CAATZ पलट के आएंगे गलत है, इसमें भी पलट के आएंगे तो गलत है, इसमें भी पलट के आएंगे तो गलत है, तो आंसर ओनली एंड ओनली 87 का ए। चलिए मैं आपकी कमेंट देख लेता हूँ जल्दी से, 87 का ए, आप लोग बहुत तेज आंसर कर रहे हैं भाई, वेरी वेल। ओके क्वेश्चन नंबर जस्ट वेट आउट, हम जाते हैं भूल रुकिए फिर करते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 88 विंग्स ऑफ द बैट, लोकस्ट एंड पिजियन आर द एग्जांपल ऑफ, विंग्स ऑफ बैट पिजियन एंड लोकस्ट आर द एग्जांपल ऑफ, ओरिजिन डिफरेंट है या सेम ये देख लीजिएगा आंसर करने के पहले। तो चलिए ओरिजिन आपका क्या है, यहाँ पे ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, तो ओरिजिन डिफरेंट है क्योंकि सबके सब, रुको भाई एक आगे बढ़ गया आपका ये पूरा सवाल ही, ओरिजिन डिफरेंट है और फंक्शन क्या होगा बताइए जल्दी से, ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम, तो आंसर इज डी। ओके क्या होगा, एनालॉगस ऑर्गन, ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम, आंसर इज डी, मैं कई बार बोल चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर कर दिया सब लोगों ने, यस कर दिया है, गुड। आइए डिफरेंशिएशन ऑफ सूट इज कंट्रोल्ड बाय, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट इज कंट्रोल्ड बाय हाई ऑक्सीजन साइटोकाइन रेशियो, अगर मैं बात करूं, अगर मैं रूट सूट की बात करूं तो आंसर क्या होगा मालूम नहीं, बट अगर रूट की बात करें तो हाई ऑक्सीजन साइटोकाइन होता है रूट से, रूट का डिफरेंशिएशन, और अगर हाई साइटोकाइनिन और रेशियो होगा तो इसमें होगा शूट का डिफरेंशिएशन। बहुत अच्छे से इस पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं, 89 का आंसर सी होना चाहिए, दोनों याद रखें, रूट का कब होगा और शूट का कब होगा। ठीक है 90 द मेथड ऑफ स्टिलाइजेशन इज, मेथड्स ऑफ स्टिलाइजेशन इसमें कौन सा मेथड है जो स्टिलाइजेशन का मेथड है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी इज द मेथड ऑफ स्टिलाइजेशन, बाकी बॉडीज सिंपल है, ये इम्प्लांट इज स्टिलाइजेशन के मेथड नहीं है, स्टिलाइजेशन में सिर्फ डी आंसर आता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है अगर अब आपको किसी भी क्वेश्चन में, देखिए हम लोगों ने लगभग 1 घंटा 40 मिनट में कर लिया है, आगे वाले लेक्चर में 1 घंटे 30 मिनट में मान के चलिए, और अब हम लोग 1 घंटे 10 मिनट का टारगेट लेके अगले लेक्चर से समझाने की कोशिश करेंगे। आज हमारा लगभग 5 से 7 मिनट खत्म खर्च हो गया है, आपका नुकसान हुआ मेरी वजह से, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और
अगर किसी भी सवाल में किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट में बताइए, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, फिर बंद करूंगा सेशन को। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, काइंडली शेयर एंड लाइक द सेशन। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अनुभव शुक्ला जी क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आया। देखिए ये क्वेश्चन आप जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे इवोल्यूशन में बहुत अच्छे से ये टॉपिक दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं इवोल्यूशन में जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहां पे मेंशन है, मैं आपको पलट के दिखा देता हूं। आप पेज नंबर 132 पे चले जाइएगा जहां पे लिखा हुआ है कि सिमिलरली एक्सक्यूज एक्सेस ऑफ द यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड हैज ओनली रिजल्टेड इन द सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी इन अ मच लेसर टाइम स्केल। दिस आल्सो ट्रूज फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट व्हिच एम्प्लॉय फॉर द एंटीबायोटिक ड्रग्स। कहना यह चाहता हूं कि आप पेज नंबर 132 पे जाके देख लीजिएगा इस पार्ट को और आपको वहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी जिसमें डार्विन के कॉन्सेप्ट की बात करी गई है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी अगले सेशन में मुलाकात होगी बहुत जल्द।